बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तस्वर सियाद एक नए व्लॉग के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से खुशबाश और मुस्कुराते होंगे। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलते हैं आज के व्लॉग तो बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं किचन में। किचन में चाय बन रही है, तो चाय मैंने कही थी थोड़ा सा व्लॉग शूट करने में देर हो गई। ओ आ गई। हाँ जी, बेगम ही है ना? हाँ जी, बेगम। आज आपका रंग रूप बदले हुए हैं, तेवर बदले हुए हैं। मैंने कहा मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई तो मैं खुद ही अपनी तबीयत ठीक कर लूं। कब से बकवास कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपने दूर अपनी चाय रख ली? हाँ, मैं अकेले छोड़। सलाम नहीं दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। चाय बना के बाहर निकल आई हूँ किचन से, और मेरी चाय किचन में पड़ी है, वो मैं वहाँ छुप के खड़ी होकर पीऊँगी। खास चाय है वो ना, इसलिए। हाँ, उसमें बादाम डले हुए हैं। बादाम नहीं डले हुए, मैं नहीं बादामों वाली चाय पीती। डाला हुआ है। अपनी चाय में क्यों जहर डालो? कुछ होती है दुश्मनों की चाय में ना जहर डालो। अच्छा, तो वो पंखा चला देना। बताएं जी, चाय तो आप पी जाते होते हो, हैं? चाय जैसी हो बस चाय होनी चाहिए। क्या प्रोग्राम है? है मेरा तो पक्का प्रोग्राम है, आप बताओ। मेरा पक्का आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों के आप मेरे चैनल पे आप लोग फिर आ चुके हैं, और अब मैं आप लोगों को आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वो क्योंकि आज हमने कोई स्पेशल काम करना है, वो आप लोगों को वीडियो के आगे पता चलेगा। और अब मैं अंदर जाता हूँ, इतना अभी आप लोगों को धूप नज़र आ रही होगी कितनी सारी है। अब इसमें मोटरें भी चल रही है, अब हम अंदर चलते हैं, लेट्स गो। तो मैं अभी मम्मा के पास जा रहा हूँ। और मम्मा जी, आप क्या कर रही हो? सोच रही हूँ कि आज क्या पकाऊँ। आज कोई रेसिपी बना लो। कौन सी रेसिपी? आप पिज्ज़ा पिज्ज़ा बना लो। हाँ, पिज्ज़ा के लिए ना मैदा चाहिए, मैदा ख़त्म है। मैदा ले आऊँगा, बाजार से मिल जाएगा। चलो ले आना, मैं पिज्ज़ा बना दूँगी। और क्या मैं लेना होता है? और मैदे के लिए मैदा लेना है पिज्ज़ा के लिए। हाँ जी। और मेरे घर में सारी चीज़ें पड़ी हैं। हाँ जी, देख लेना, जो जो नहीं पड़ी ले आऊँगा। चलो ठीक है। और आप सुनाओ, पढ़ लिया आपने? हाँ जी। तो अब आपके कुरान पाक का टाइम भी होने वाला है, और थोड़ी कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर ट्यूशन का टाइम हो जाना है, ठीक है ना? हाँ जी। अभी मैं निकलूँ घर से, वही ऐसे मौसम आपको दिखा देता हूँ। धूप आज बहुत सख्त निकली हुई है, कल के दिन तो इतनी धूप नहीं निकली हुई थी। और अब मैं कहीं शहरी आ जाते, मैं भी उसका ये वेट करता हूँ। शहरी आ जाए तो फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे अभी धूप बहुत है। वो शहरी आ चुके हैं, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। शहरी, आप मौसम देख सकते हैं, धूप बहुत तेज निकली हुई है, हवाएं भी चली हुई हैं थोड़ी बहुत। शहरी आ गए? अच्छा रुको, अब हम घर चलते हैं। और चले आगे, अब हम चलते हैं घर। लेट्स गो। जी तो शहरी अभी ना रो रहे, कहते हमें मुझे ना चीज दे दो। माँ मुझे भी पैसे दो। शहरी आपने भी लेनी है? नहीं रोते। जब ये शहरी रोते हैं, लाई 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 क्यों करते हैं? सॉन्ग पढ़ते हैं कोई? टेन शहरी के? हाँ जी, टेन पीस मेरे। टेन आपके? टेन मेरे। रेड लेस? रेड लेस मैंने तो ग्रीन लेस लेनी है। शहरी आप चले? शहरी किसी ज्वेज की किसी जाओ आज जा रहे हैं। हाँ जी। ये तो अभी हम लेते जा रहे हैं। और शहरी यहाँ से जाना है? हाँ इधर से।
जी अभी हम बेसिन जा रहे हैं और हम आ चुके हैं दादू के गेट पे और चले। तो अभी हम आ चुके हैं घर में और चलिए दरवाजा खोलो ऊपर से लाइटिंग करना लाइट। हाँ जी क्या क्या लेकर आए? एक मेरी बिस्किट भी दो शेरी को, एक शेरी को दोनों। जी तो गाइस आप लोगों ने आज मैं वीडियो की इवेंट करता हूँ, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप भी शुक्रिया अदा कर दो। अच्छा शेरी ने भी कर दिया, आज की वीडियो तक थी, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। हाँ भाई क्या कर रहे हो भाई? शेरी के शूज़। हाँ जी। शेरी खुद नहीं पहन सकता? नहीं। अरे शेरी शूज सीख ले पहनना। आप गिफ्ट रेडी कर रही हो? हाँ। अच्छा ये जो लिए थे तो मैंने कहा देने नहीं है। हाँ ये तो है, हैं तो सर्दियों के लेकिन वहाँ से फिर मिलते ही यही थे ना, तो फिर इसलिए। हाँ वहाँ तो सर्दियों की आइटम मिलती है, गर्मियों की तो मिलती नहीं वहाँ पे, ठंड होती है ना, तो ये डाले हैं मैंने। सही है तो हाँ जी रेडी हो चुके हैं जी। अभी हम जा रहे हैं, आप लोगों को बताएं कि ये अब्बा जी के लिए हम कुछ ले आए थे गिफ्ट्स वगैरह, तो वो लेके और ये वैसे तो एक चीज ली है ना, बाकी उनको वैसे देंगे तो हाँ हम हमारा ये मूड है कि बाकी ना वो उनको जरूरत होती है सर, तो नेट के हिसाब से हम दे देंगे। हाँ, ऐसी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे रेडी हैं, रख दो मोबाइल पे। कुछ ही अब्बा जी का है, बस ये है कि भाई हाँ ये सिर्फ ना हम आप लोगों की वजह से ना फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हंसी आती है, अब बंदा क्या करे। देखो ना ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिंदगी की पर्सनल होती हैं, माँ बाप के साथ होती हैं, वो दिखावा नहीं होती। मर्जी है वो बेटे के या बेटी के, तो ले मांगने क्या उठा ले उठा सकते हैं इसमें। हाँ तो सारा हक ही उनका होता है। चलो हम ज्यादा लंबी बात नहीं करते, लंबी बात इस पे नहीं ना करते, समझ आनी है ना समझ सकते हैं। हाँ, तो चने फिर चने भेज रहे हैं। चलो चलो जी लेट्स गो गो लेट्स गो। पैसे पकड़ाते हैं जी। लेकिन आज हमने ना ये मतलब सिर्फ आप लोगों के लिए हमने दिखाने के लिए कर रहे हैं। हमने कभी एक सिंपल सिंपल होता था जैसे हमारे जाट बंदे हम करते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स बच्चों में लपेट के दे देते थे जाट बंदे, ये ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए। चलें फिर। हाँ चलें आ जाओ। चलो फिर सुरेश शाबाश। मैं मेरे शक्ल से तो नहीं लग रहा, मैं सड़ रही हूँ। नहीं अभी धुआं तो नहीं निकल रहा। चेक कर लो अच्छी तरह। नहीं नहीं आपकी साइडों से धुआं निकल रहा हो सकता है। चलो चलो आ जाए जी। Let's go. Let's go. 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 Oh, Zuresh, Sherry, idhar aa. Unda pahunch gaya. Idhar aa, aa jao. Zuresh. अम्मा हमी। अच्छा जी तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, अब्बा जी के पास। और ये अब्बा जी बैठे हैं। ये बच्चा मिट्टी है या दुई है? फिक्की है ये तो नहीं कि मिट्टी वाला चस्के? अच्छा जी आप पे पिवान तो पिवान माता अच्छा 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 आप पे पिवान तो पिवान में नहीं तो मैं फिक्की पीना। हाँ जी ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये दो। हाँ तो ये है अपनी मर्जी लेने। अच्छा।
ये वहाँ हम सर्दी, वहाँ होती है सर्दी, तो सर्दी में गए थे तो वहाँ मिलती है सिर्फ सर्दियों की चीजें, ये सर्दियों के लिए। अच्छा, यार ड्राई फ्रूट एंड अच्छा ये थोड़े खावन दे, मतलब ये शुगर वास्ते ना ठीक होंदे ने। ते अगे अमन भी दिता है शीट वैसे हां हां नरम है, नरम है, गर्मियों के हिसाब से कुछ नहीं मिलता तो ये सर्दियों वाली वहां। अच्छा आया ना चादर है सवाती, ये बड़ी हल्की है, मतलब बहु वजन का काट है। हां उत्ते करना, हां उत्ते सर्दियों वास्ते ना। आज हम आज ना पत्ती खिलावा नहीं नहीं, और इससे आपने अपने लिए ना कुछ खाने पीने के लिए कुछ ले लेना। हजन तो रख थोड़ा अगली जो चादर थोड़ी है ना, बड़ी मोटी बड़ी भारी है, बहुत भारी है, ये बिल्कुल हल्की है, चाह के वेखो ना। रख दी, मतलब गर्मी चुके जी चीजा उन्ना नरान कगान लगभग सर्दियों के हिसाब से सर्दी होंगी है, उतो नरान चु लिया मरी वाली साइड। नहीं नहीं मरी तो इधर है, नरान तो बहुत है। हाँ और मरी तो अगर है ढाई 300 किलोमीटर अगर है नरान। प्रोग्राम होवे तो आप सर्दी वग वही सा था प्रोग्राम होवे तो सर्दी आप था ही वग वही सा घर उत्थे घर उत्थे होटल लभदे ना, होटल तो रहे बकरियां नहीं वधी होंदियां ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿਆ ਤੋ ਅਮਾ ਜੀ ਜੋ ਥੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਥੀ सदाकत की, वो मतलब वीडियो शूट कर रहे थे, उनका व्लॉग चल रहा था, तो फिर हमने उनको इंटरफेयर नहीं किया कि वो जब एक रवानगी चल रही होती है ना तो फिर हमने वो बंदा बीच में बहुत इनके ये भी कहते एक दफा जब दिमाग वो हो जाता है ना डिस्टर्ब फिर वीडियो हाँ तो बनती नहीं है ना, जो बनाते हैं उनको तो पता है ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, ये ना कहते हमें ना भी डिस्टर्ब ना करें, हम एक दफा जो बना रहे हैं ना वो हम एक दफा सेट होके बना लें। खैर तो ये हमने स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, हमने तो ऐसे दे देनी थी, हमने ये रखी भी इसलिए थी कि आप लोगों ने कहना है कि ये वो ये हाँ, वो नहीं, तो इसलिए हम सब चीजें जो लाते हैं वो ऐसे ही दे देते हैं। हाँ, तो उसमें मतलब दिखावे वाली कोई जरूरत भी नहीं होती, माँ बाप औलाद के दरमियान ये दिखावा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों की डिमांड होती है तो इसलिए मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। खैर इसको यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दे, दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, और दुआओं में हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ आप और जुरेस तो हमेशा ये कहते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स जरूर अच्छे अच्छे करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।